हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है नाइन्थ क्लास, टेंथ क्लास, इलेवेंथ तथा ट्वेल्थ क्लास के लिए टाइम एंड टेंस टॉपिक, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पांचवा भाग में जानेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर, रूल, एग्जाम्पल तथा लास्ट में एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे, जैसा कि सभी पार्ट में करते आते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट में वाक्य के जिस क्रिया से यह बोध हो कि कोई कार्य पास्ट टाइम में अर्थात भूतकाल में समाप्त हो गया, तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद प्रायः सिंपल पास्ट टेंस अर्थात पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नियमानुसार किया जाता है। ऐसे वाक्यों का आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान चिन्ह होता है या यी, ये, आ था, ई थी, ए थे, या था, थे, थी। आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। वह पटना गया, मैंने ताजमहल देखा। इसके बाद वह आम खाया था, मैंने पुस्तक पढ़ा था। सकता है जवाहरलाल नेहरू महान नेता थे, महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे। तो ऐसे लास्ट के दो वाक्यों में क्रियाएं नहीं होती हैं, तो ऐसे वाक्यों में वाच वेयर का प्रयोग किया जाता है। किंतु सामान्य रूप से ये जो मैंने खाया था, मैंने पढ़ा था या मैंने पढ़ा, जिसमें क्रियाएं होती हैं उसमें वाच वेयर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव के बारे में रूल और उसका स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, उदाहरण में मैं स्कूल गया था, मैं विद्यालय लिखा जाए, विद्यालय गया या गया था। तो ऐसे वाक्य का मैं का हो जाएगा यहाँ आई गया, वो वेन गॉन, तो वेन टू स्कूल, आई वेन टू स्कूल। तो इस तरह से सब्जेक्ट एमवी टू प्लस ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है। अब निगेटिव का हम लोग समझ लेते हैं। निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नाउ प्लस एमवी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, रमेश ने पुस्तक नहीं पढ़ाया, रमेश ने पुस्तक नहीं पढ़ाया या हो सकता है नहीं पढ़ाया था। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट रमेश और डिड नॉट, एमवी वन मुख्य क्रिया जो है अपने पहले अवस्था में रहेगा, टीच डिड नॉट टीच बुक, रमेश डिड नॉट टीच बुक। तो इस तरह से ये निगेटिव सेंटेंस का हो। अब हम लोग इंट्रोगेटिव का देखते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इंट्रोगेटिव में हम जानते हैं कि टू टाइप होता है, एक होता है क्या से प्रारंभ होने वाला और एक जो प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो सबसे पहले क्या से प्रारंभ होने वाला, तो सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर निगेटिव है तो नॉट जोड़ेंगे, नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। जो मेन वर्ब है पहले फॉर्म में होगा, इसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्रश्न सूचक का चिन्ह यहाँ लगा रहेगा। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर। और उदाहरण हम एक ले लेते हैं, उदाहरण हम ले लेते हैं क्या तुमने आम खाया, क्या तुमने आम खाया, तो होगा डिड यू, अब नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नहीं नहीं है, तो डिड यू ईट मैंगो, ईट नहीं होगा, एट नहीं होगा, ध्यान रखना है इसमें अपना एम भी जो है अपने पहले फॉर्म में होता है। अब एक उदाहरण और लेते हैं जो क्या क्यों कैसे बीच में होगा, तो ऐसे वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर। ऐसे वाक्यों के लिए देखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्दों का अंग्रेजी लिख देते हैं, वाय वाय वेयर, और भी जो है प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, यदि नहीं है तो नॉट प्लस एम भी वन पहले फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्न सूचक का चिन्ह, ये इसका है सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, तुमने आज फल क्यों नहीं खाया, तुमने आज फल क्यों नहीं खाया। तो सबसे पहले क्यों, क्यों का होगा why, इसके बाद did, इसके बाद तुम का you, नकारात्मक है निगेटिव है तो not इसमें लगा देंगे did not, इसके बाद eat fruit, eat fruit, तो इस तरह से ये एग्जांपल हो गया उस इंट्रोगेटिव का जिसमें क्या क्यों कैसे लगा होता है। आइए अब चलिए हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। गांधी जी अफ्रीका गए थे, तो यहां पहला हम लोग बनाएंगे गांधी जी अफ्रीका गए थे, तो गए थे वो when to Africa, गांधी जी went to Africa। दूसरा है तुम्हारा भाई हिंदी नहीं पढ़ा, तो your brother did not read English, your brother did not read English, तुम्हारा भाई हिंदी नहीं पढ़ा। अब आइए तीसरा देख लेते हैं, क्या रमेश आज नहीं खाया, तो क्या से स्टार्ट है did रमेश not
इट टुडे हर चौथा तुमने सब के क्यों नहीं धोता क्यों है तो क्यों why did you not speak बा का प्रयोग कर देंगे रूल्स पांचवा देखते हैं ये थोड़ा सा विशेष है क्योंकि इसमें भर नहीं है क्रिया नहीं है तो ऐसे में वाच या वेयर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे तो चलिए देखते हैं नेहरू जी वाच ग्रेट लीडर इसमें वाच का प्रयोग होगा तो इस तरह से हम लोगों ने ये एक्सरसाइज कर लिया पांच क्वेश्चन पांच प्रकार का बना लिया तो कुछ कंसेप्ट स्पष्ट हो रहा होगा मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये कि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पढ़ने वाले सीरीज को देखते रहें धन्यवाद।